मुख्यमंत्री जी आप निषाद पार्टी का जिक्र कर रहे हैं जब मैं आपके पॉलिटिकल जर्नी को देखता हूं तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ाव आता है आपके एक धुर विरोधी थे जमुना निषाद मेरे सामने ये आंकड़े हैं अंठानवे के निन्यानवे के आपके गुरु जी आपको दायित्व तो सौंपते हैं आप चुनाव लड़ते हैं लगभग छब्बीस हज़ार का मार्जिन रहता है पहले चुनाव में उन्नीस में उन्नीस में उन्हीं जमुना निषाद के ख़िलाफ़ वो मार्जिन आ जाता है सात हजार तीन सौ कुछ फोट का और उसके दो तीन बरस के अंदर फिर आप हिंदू युवा वाहनी बनाते हैं और फिर आपका मार्जिन वापस से लाखों में पहुंचने लगता है और वो सर्कल एक पूरा होता है गोरखपुर बाई इलेक्शन निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद जीतते हैं और उसके बाद आप उनको अपने फोल्ड में ले आते हैं क्या बातचीत हुई थी आपके और संजय निषाद के बीच जो ये गठबंधन हो गया देखिए निषाद पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है हमें इस चीज को देखना होगा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के समय में गोली चली थी जी। और गोरखपुर में इनके आंदोलन को जिस निर्ममता के साथ समाजवादी पार्टी ने कुचलने का कार्य किया था मेनपुरी का अखिलेश निषाद मारा गया था वहां पे। संजय निषाद को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था जी। और जेल में इनके साथ जो अमानवीय अत्याचार हुए थे जी। ये किसी से छुपा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से उस समय उनके संकट के साथी कोई थी तो बीजेपी थी हम लोगों ने उस समय उन्हें सपोर्ट किया था और उनके साथ जो अन्याय हो रहा था जो अमानवीय अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ हम लोग खुल के लड़े थे उस समय धरना प्रदर्शन में सहभागी बने थे आंदोलन में भागीदार बने थे ठीक है मैं बीजेपी से सांसद था लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता उस आंदोलन में उनका सहयोग करते थे और अंततः उनको लगा कि भाई समाजवादी पार्टी ने तो धोखा दो दिया है वो धोखा दे रही है तो अंततः हुआ बीजेपी के साथ आज गठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और हिंदू युवा वाहिनी उसको लेकर भी बहुत सवाल देखिए हिंदू युवा वाहिनी उस समय की परिस्थितियों में हम लोगों ने बनाया था जब सपा और बसपा के कालखंड में पूरा बॉर्डर क्षेत्र संवेदनशील हो चुका था सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर चुका था तो उसने उस समय सुरक्षा के लिए और जन जागरण का एक बृहद अभियान अपने हाथों में लिया था और उस अभियान को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया संगठन अभी सक्रिय है सक्रिय नहीं है लेकिन हाँ जहां तहां कुछ कार्यकर्ता अपना अपने अनुसार जागरण का होर्डिंग लगी रहती है कई जगह फोटो होते हैं कार्यकर्ता काम करते हैं काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सामाजिक संगठन है काम करते हैं एक मैंने दौरे में और चीज सुनी कि जो आलोचक हैं वो बोले कि साहब मुख्यमंत्री सक्रिय तो खूब हैं लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री बनने के पहले संगठक के तौर पे वो पूरे प्रदेश में बहुत नहीं थे तो हर जगह उनका फीडबैक सिस्टम नहीं है और इसकी उलट थ्योरी लोग देते हैं कि नहीं नहीं उनकी हिंदू युवा वाणी के लोग हर जिले में हैं तो उनको फीडबैक मिल जाता है देखिए हमें फीडबैक देने की आवश्यकता ही नहीं है जी मैं जनता से सीधे संवाद बनाता हूँ और जनता से मेरे संवाद का आधार मेरे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा माध्यम है